आज हम कवर करने वाले हैं कॉम्स का कॉलेज, उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वी गो इनसाइड द हॉस्पिटल। ये जो कॉलेज है 1996 में एस्टैब्लिश हुआ था, तो काफ़ी साल का एक्सपीरियंस है और काफ़ी सालों से ये लोग इंडियन स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। पर ईयर जो इनटेक है वो 100 स्टूडेंट्स का है एंड वी हैव समवेयर अराउंड 50 सीट्स फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। आपके पास भी चांस है, आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ की कैडेवर्स कैसे अवेलेबल है कॉम्स में से, कैसे का तो कोई क्वेश्चन नहीं है, बट द पॉइंट इज की कैडेवर्स आर अवेलेबल, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं की कैडेवर है या नहीं है। सो व्हेन यू चूज कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज, कैडेवर अवेलेबल है। अभी प्रिजर्व करके रखे हैं क्योंकि अभी कुछ डाइसेक्शन चल नहीं रहे। आई एम गोइंग टू शो यू द प्रिजर्व वंस। जब डाइसेक्शन होती है तो ये ऑब्वियसली उनको निकाल करके पहले ही बाहर रखते हैं। यहाँ पे कैडेवर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे डाइसेक्शन हॉल है और बहुत सारे टेबल्स अवेलेबल है प्रैक्टिस करने के लिए। राइट नाउ अभी कोई डाइसेक्शन चल नहीं रही है, इसलिए मैंने आपको प्रिजर्व बॉडीज दिखा दी, क्योंकि बच्चों को डाउट रहता है कि कैडेवर है नहीं है या दिखा के नहीं है। सो आई शोड यू यू नो कि यहाँ पे अवेलेबल है बॉडीज काम करने के लिए, सच सर कि अभी कोई काम कर नहीं रहा है तभी डाइसेक्शन हॉल खाली है। और यहाँ पे साथ में सबके बॉडी पार्ट्स के यू नो मेरे कुछ डमीज भी अवेलेबल हैं सीखने के लिए। तो देखो हर चीज़ बॉडी पे भी सीखी नहीं जा सकती, कभी कभी हमें डमीज की हेल्प भी देनी पड़ती है, तो वो सारी फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं। और सबसे अच्छी बात यह है ये सारी चीज़ें जो है ना ये एक ही जगह पर है, आपको अलग अलग जगह कहीं नहीं जाना पड़ रहा है। नीचे हॉस्पिटल है, ऊपर ही आपकी क्लासरूम्स हैं, साथ में ही लैब्स हैं, एवरीथिंग इज जस्ट एट अ सिंगल स्पॉट, आपको कहीं नहीं जाना पड़ रहा है। इससे आपका फ़ायदा क्या होता है, आपका टाइम भी बचता है, एक तो ट्रैवलिंग टाइम बचता है आपका, और साथ साथ आपको सीखने को ज़्यादा मिलता है क्योंकि आप 24/7 एक्सेसिबल रहती हैं वो चीज़ें। अभी हम आए हैं कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज के लेक्चर हॉल में। आप देख रहे हो कि मैं नीचे जा रही हूँ, क्योंकि हाइट वाइज बना हुआ है ताकि बच्चों को जो सामने जो हो रहा है वो देखने पढ़ने में दिक्कत ना हो। अगर मैं सामने देखती हूँ तो प्रोजेक्टर भी है ऊपर, प्रोजेक्टर को समझाना है, और एट द सेम टाइम चॉकबोर्ड सिस्टम तो है वो भी रहेगा और साथ में प्रोजेक्टर सिस्टम भी है। डिजिटल क्लासरूम्स हैं और अगर आप देखेंगे ऑनलाइन है, प्रिंटर्स भी हैं, लैपटॉप वगैरह सब कुछ की सब जगह बनी हुई है प्रॉपर। अभी मैं आई हूँ कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस की लाइब्रेरी में और मुझे कहीं दूर नहीं जाना पड़ा है। नीचे हॉस्पिटल है, ऊपर क्लासरूम ट्यूटोरियल रूम है, उसके ऊपर ही लाइब्रेरी है। तो इससे इजी क्या होता है कि बच्चों को साथ साथ प्रैक्टिकल भी देखने को मिल रहा है, करने को मिल रहा है, और साथ साथ वहीं पर पढ़ने को मिल रहा है, वहीं रहने को खाने को, एवरीथिंग इज एट द वन प्लेस। अगर आप देखेंगे लाइब्रेरी में मेरे पीछे द टाइमिंग्स आर 9 AM to 10 PM, तो दैट इज़ वेल इनफ। एंड इफ यू सी अराउंड, यहाँ पे 3 रीडिंग रूम्स मिले हैं बच्चों के लिए। ऑन माई राइट यू कुड सी आवर रीडिंग रूम एंड just talking very loud. As we have explored the reading rooms, I'll just take you inside the library as well and I'll show you how fully stocked the libraries are here. Currently I'm in the well-stocked library of College of Medical Sciences. I could look at the subjects, they can be composed of textbooks, books ke maathra bhi padi hai, and it has got an enormous number of copies for each subject. Like, if I take you on the final level, I'll take a single book. सो आपको फिजिकली बुक अगर पढ़नी है, बिकॉज बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ई बुक्स EPDF से पढ़ने में उतना कंफर्ट नहीं होता है। सो व्हेन यू चूज कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस, आपको इतनी वेल स्टॉक लाइब्रेरी मिलेगी, आपको सारी बुक्स बहुत ईजिली मिल जाएंगी, बहुत सारी बुक्स आपको खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एंड दे हैव डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ कोर्स, आप वो भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट फिजिकली से ही आपको यू नो जरूरत ही नहीं पड़ेगी डिजिटल पर जाने की। दे हैव सो वेल स्टॉक लाइब्रेरी, और ये सिर्फ एक सेक्शन है, देखो 3 डिफरेंट सेक्शंस लाइक दिस।
राइट नाउ आई एम आउटसाइड हिस्टोलॉजी लैब ऑफ कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज. मैं अंदर जाना अवॉइड कर रही हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स ऑलरेडी वहाँ पढ़ रहे हैं. बट आई शो यू अराउंड इनसाइड. आई जस्ट सेंड द कैमरा पर्सन टू लुक यू नो गिव यू अ शॉट कि कैसा कैसा है अंदर. बट एट द सेम टाइम आप ये चीज़ देख रहे हैं कि डाइसेक्शन हॉल के जस्ट सामने हिस्टोलॉजी है. सो एवरीथिंग इज अवेलेबल राइट एट द सिंगल प्लेस. देखो इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आपको थ्योरी अवेलेबल है, आपको प्रैक्टिकल भी साथ साथ ही अवेलेबल है. मतलब आप ऊपर से थ्योरी पढ़ो, ऊपर वाले कोर्स का थ्योरी पढ़ रहे हैं एंड व्हेन यू गो डाउन इट्स हॉस्पिटल. तो लाइक आपको प्रैक्टिकली वो सब चीज़ें सीखने को मिल रही हैं. फर्स्ट सेकेंड ईयर में इट्स बेसिकली यू नो बेसिक साइंसेज होता है तो ज़्यादातर इट इज़ मोर ऑफ थ्योरी. बट व्हेन यू गो डाउन टू योर थर्ड फोर्थ फिफ्थ ईयर इट इज़ मेनली द प्रैक्टिकल एंड द इंटर्नशिप. सिंगल ऑपरेटर्स पे अभी सिर्फ सिखाया जा रहा है. मल्टीपल ऑपरेटर्स मतलब हर बच्चे को अलग अलग मिल सकता है. Right now we are at the hostels of comms. अगर आप देख सकते हैं सिक्योरिटी पूरी है. सो वी हैव गॉट द वार्डन टू ओपन द डोर्स फॉर अस क्योंकि यू नो वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी अनवांटेड स्ट्रेंजर जो है वो हॉस्टल एरिया में एंटर करे. इफ यू लुक एट द कॉरिडोर्स दे आर क्वाइट वाइड एंड वेरी क्लीन. सो वी विल जस्ट यू नो एंटर वन ऑफ द रूम विद द परमिशन एंड देन वी विल जस्ट एक्सप्लोर दैट रूम. सो एज वी एंटर द गर्ल्स हॉस्टल इन फैक्ट वन ऑफ द रूम इन कॉम्स आप देख सकते हैं. इट इज अ टू शेयरिंग रूम और द फैसिलिटीज आपको On my right, you could see the cupboards. दोनों बच्चों के लिए अलग अलग cupboards available हैं. Beds obviously are there. And you could see there are two more cupboards. So you have enough storage capacity. सबसे बड़ी बात क्या है जो आपके वॉशरूम्स और बाथरूम है वो सामने अटैच है. लाइक इफ यू गो ऑन द लेफ्ट इट इज अ वॉशरूम थोड़ा सा आपको स्पेस मिल जाता है. यू नो इन केस यू वॉन्ट टू मेक अ किचनेट और समथिंग वो स्पेस अवेलेबल है. लाइक ऑन द विंडोज यू हैव दो स्पेस अगर आपको कुछ भी किसी भी तरह से उस स्पेस को यूज़ करना है तो. सो दिस इज अ वेरी स्पेशियस रूम और बहुत सारी फैसिलिटीज है. दोनों बच्चों के अलग अलग स्टडी टेबल अलग अलग सब चीज़ें हैं. जैसे कि हमने अभी देखा है गर्ल्स हॉस्टल ऑफ कॉम्स पेरेंट्स का बहुत कंसर्न होता है कि सेफ्टी कैसे है. वी हैव अ वार्डन ऑफ द हॉस्टल विद अस. मैम डूज एंड डोंट्स क्या है मतलब बच्चों के लिए कितनी सेफ्टी है ज़्यादा सेफ्टी और टाइम रहता है कि छः बजे के बाद बाहर नहीं जा सकते. अच्छा अच्छा कोई छः बजे के बाद आता है तो सात बजे तक आ सकता है. अच्छा अच्छा अंदर से बाहर नहीं जा सकते छह बजे के बाद. अच्छा 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 ज्यादा सेफ्टी है गर्ल्स के लिए. और गर्ल्स और बॉयज अलग अलग. हाँ बॉयज ऊपर है ये रास्ते नहीं उसका वो दूसरा रास्ता है. अच्छा अच्छा ये रास्ता बंद ये बंद है इमरजेंसी है तब हम लोग देंगे हमारे पास ही होगा सेफ्टी. और एंट्री के टाइम पर रजिस्टर मेंटेन हो रहा है. नीचे एक बुक है उसमें मुझे करना है किधर जाना है क्या खरीदना जाना है कितना टाइम लगा है सब. अच्छा और परमिशन भी चाहिए पेरेंट्स की. परमिशन चाहिए बाहर जाने के लिए तो नहीं जैसे शॉप के लिए तो नहीं ज्यादा टाइम लगा है तो परमिशन चाहिए. सो आपने खुद ही सुन लिया है कि कितनी अच्छी सेफ्टी है सिक्योरिटी एट द सेम टाइम देख सकते हैं मेरे ऊपर सीसीटीवी कैमरास भी लगे हुए तो बच्चे कहीं जा रहे हैं तो वो भी रिकॉर्डेड. एट द सेम टाइम ऑन माय राइट यू कुड सी द वाईफाई राउटर. ये क्वेश्चन बहुत आता है बच्चों का कि वाईफाई है नहीं. हर फ्लोर के लिए अलग अलग वाईफाई है. तो आई वुड से योर चाइल्ड इज सेफ सिक्योर एंड यू नो दे गेट ऑल द फैसिलिटीज दैट दे नीड इन द हॉस्टल. बाय फार बहुत सारे हॉस्टल्स मैंने विजिट किए. दिस इज आई वुड से वन ऑफ द बेस्ट हॉस्टल व्हेन यू डू योर एमबीबीएस इन कॉम्स. So while I was just talking to the bottom of the you know hostel, मैंने अभी पूछा इनसे तो सफाई के लिए आप देख सकते हैं कि दीदी आती हैं सफाई करने के लिए रूम्स की भी कॉरिडोर्स की भी और साथ में कपड़े के लिए धोबी भी आता है. सो देखो जैसा घर जैसा माहौल आपको यहाँ पे मिल रहा है इट इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट हॉस्टल्स ऑफ कॉम्स. सो हमने जो एंट्री करी थी हमने लिफ्ट से करी थी. अदरवाइज स्टूडेंट लिफ्ट भी यूज़ कर सकते हैं. लिफ्ट बेसिकली दे आर यूजिंग इट फॉर इमरजेंसी पर्पज. मेनली स्टेयर्स यूज हो रही हैं एंड एट द एंट्री के दे हैव वार्डन दे हैव एंट्री रजिस्टर. जो भी बच्चा बाहर जा रहा है अंदर आ रहा है उस सब की एंट्री है. वार्डन मैम हमेशा यहीं पे रहते हैं. इट्स 24/7 सिक्योरिटी फॉर योर गर्ल चाइल्ड वेदर इट बी अ गर्ल और बॉय. इट्स द सेम
फीचर्स ऑफ द हॉस्टल्स, चाहे वो गर्ल्स का हॉस्टल है बॉयज़ का हॉस्टल, एग्जैक्टली सेम बने हुए हैं, एग्जैक्टली सेम फैसिलिटीज है और सेम ही तरह से बच्चे की सेफ्टी का ध्यान रखा जा रहा है, वेदर इट बी अ गर्ल चाइल्ड और अ बॉय चाइल्ड. अभी हम आए हैं कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज की मेस में. ये ना बहुत ज़्यादा हाईली डिमांडेड फ्रेम है, आई वुड से बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मेस का मेन्यू क्या रहता है. जस्ट लुक बिहाइंड, हर दिन का मेन्यू है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर तीनों का मेन्यू आपको मिल जाएगा और तीनों टाइम आपको अच्छे से वेज नॉन वेज सारा कुछ मिल रहा है. और साथ में भी फैसिलिटी यहाँ पे ना आपको पेड चीज़ें ही मिलती हैं और नॉर्मल खाना है वो तो मिलता ही है. राइट नाउ लंच इज बीइंग सर्व, मैं आपको दिखा दूँगा कि क्या क्या फैसिलिटीज हैं आज के दिन में, क्या क्या है लंच में. हॉस्पिटल है, यहीं पे लोग ओपीडी में वेट कर रहे हैं, तो कितना ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी है एक इंटर्न को, एक स्टूडेंट को सीखने के लिए. आई थिंक आप हॉस्पिटल मैनर्स तो आते जाते ऐसे ही सीख जाएंगे व्हाइल यू आर एट कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज. राइट नाउ आई एम एट द ओपीडी सेक्शन ऑफ कॉम्स. आप देख रहे हैं कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज लिखा हुआ रिसेप्शन पे. फिलहाल मैं रिसेप्शन पे, इफ यू लुक अराउंड ऑन माई लेफ्ट, ऑन माई राइट, ऑन माई फ्रंट, ऑन माई बैक, एवरीवेयर वी कुड सी द पेशेंट्स. अगर मैं बात करूँ पेशेंट इनफ्लो की, एवरी डे दे हैव ओपीडी ऑफ समवेयर अराउंड 1200 to 1300 एंड दे हैव बेड कैपेसिटी ऑफ मोर देन 1000 बेड्स. तो अच्छा एक्सपोजर मिलेगा आपको वेन्यू कम है, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी. यू कैन जस्ट यू नो टर्न अराउंड एंड सी दैट लेफ्ट राइट टू यू भी देखेंगे यू विल सी पेशेंट्स ऑल अराउंड. तो बहुत अच्छा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है. सो व्हेन यू स्टडी एट कॉम्स एंड यू विल बी इन टर्न एट दिस हॉस्पिटल, उससे आपको फायदा क्या होगा कि आपको सब कुछ सीखने को मिल रहा है, सब कुछ अपने हाथों से देखने को मिल रहा है, करने को मिल रहा है, एंड एट द सेम टाइम यू कैन इंटर्न एट द सेम टाइम. आई एम एम्फेसाइजिंग ऑन पेशेंट फ्लो, रीजन बीइंग जो आप डॉक्टर बनते हैं आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर अच्छा आना बहुत ज़्यादा जरूरी है. तो वही सब मेरे साथ देखेंगे. राइट नाउ जस्ट आफ्टर द ओपीडी विल गो एंड एक्सप्लोर अदर सेक्शन. फॉर नाउ आई जस्ट लेट यू सी अक्रॉस द ओपीडी, द फार्मेसी एंड द पेशेंट. जैसे कि हम एंटर हुए हैं कॉम्स में, जस्ट आप लोग ओपीडी, आई एम गोइंग टू शो यू अराउंड जो भी डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे, बिकॉज व्हेन यू आर हियर आपको सारे डिपार्टमेंट्स की प्रॉपर नॉलेज होना जरूरी है. ऑन माय लेफ्ट यू विल बी एबल टू सी मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ. इसके साथ ही में हमारे पास ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट है. नॉट जस्ट दिस, दीज आर टू डिपार्टमेंट्स दैट यू कैन सी ऑन द लेफ्ट एंड राइट, बट आई टेक यू अक्रॉस द कॉरिडोर एंड आई शो यू ऑल द डिपार्टमेंट्स. As I walked down the aisle on the corridor, मैं बस आपके सामने उस डिपार्टमेंट से इस डिपार्टमेंट वाली साइड पर आई. यू कैन सी ऑन माई लेफ्ट देर इज डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट है, मतलब स्किन एंड हेल्थ के लिए डिपार्टमेंट है. एंड एट द सेम टाइम आई विल मूव अक्रॉस, आगे साइकेट्रिक डिपार्टमेंट है और सामने मेरे पास ऑर्थो है. देन यू विल बी हेल्पिंग डॉक्टर्स इन ऑल ऑफ दीज डिपार्टमेंट्स, नॉट जस्ट वन. जब आप इंटर्नशिप करते हैं तो आपको हर एक डिपार्टमेंट में वन बाय वन आपके इंटर्नशिप करने का मौका मिलता है. So that you learn all of these departments. This is something I would say ki trailer hai. We'll go ahead and we'll watch up the whole picture and we'll see ki all kaun-kaun si facilities aapko mil rahi hai when you choose to study at College of Medical Sciences. Currently, I am at the emergency ward of College of Medical Sciences. आप देख सकते हैं मेरे पीछे. As usual, emergency is supposed to be open 24/7. 24/7 emergency open रहती है. And I'll take you inside with me in the emergency ward. We'll avoid covering any of the patients for the privacy concerns. But I'll try to cover all on all the facilities. So, facilities आपको मिल रही है emergency में. And 24/7 doctor के साथ साथ यहाँ पे intern भी रहता है. So while you are at College of Medical Sciences, you will be there serving with the doctors as an intern. As we just entered the emergency section, on you know, on my just front end side, you will see the operation theater. Obviously, you know, we will not be going there, but I'll take you to the emergency ward. So just to show you around, this is the emergency ward. So we are just going to enter the emergency ward right now. I am going to take you inside. Obviously, we will not be able to access everything inside, but I'll show you, you know, a brief. Let's go. So as soon as I enter the OT, I have the patients already admitted. That the age kya hai, but the procedure that is going to be, you know, done on them. And if you look behind, there's a recovery unit and the OT, and the same goes in the front as well. There's a recovery and the OT.
I am avoiding to get inside, obvious reasons. And at the same time, you know, I can just tell you that the facilities are really good. It is just that, you know, किसी की प्राइवेसी को I just don't want to get into that. किसी के पर्सनल स्पेस में जाना नहीं. Otherwise, the facilities are really good. And they have kept the recovery unit as well. बिल्कुल ओटी के साथ नहीं, ताकि पेशेंट को पूरा टाइम मिल जाए और इंटर्न को सिर्फ ओटी में प्रोसीजर देखने को ना मिले, रिकवरी यूनिट में कैसे काम होता है वो भी देखने को मिले. डिपार्टमेंट में आप मेरे पीछे देख सकते हैं, वी हैव एमआरआई एंड सीटी स्कैन और एक्सरे भी है. ऑब्वियस रेडियोलॉजी में है तो एक्सरे भी होगा, अल्ट्रासाउंड भी होगा. फॉर नाउ वी आर गोइंग टू कवर सीटी स्कैन एंड एमआरआई. अंदर चल के देखते हैं कैसे फैसिलिटीज है. एक्सरे एंड यूएसजी विल कवर ऑन लेटर. अभी मैं आई हूँ कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस के अल्ट्रासाउंड डिपार्टमेंट में. रेडियोलॉजी में अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, एमआरआई है, सीटी स्कैन है, अल्ट्रासाउंड है, एक्सरे है. एमआरआई सीटी स्कैन हम कवर कर चुके हैं. अभी मैं हूँ अल्ट्रासाउंड में. मेरे पीछे देख सकते हैं दोनों तरफ कितनी ज़्यादा भीड़ है जस्ट फॉर द अल्ट्रासाउंड. तो अगर आप ये कॉलेज चूज़ करते हैं तो आपको बहुत अच्छा पेशेंट इनफ्लो मिलेगा. हर चीज़ में ना ऐसा नहीं है पेशेंट्स नहीं है, हर एक डिपार्टमेंट में पेशेंट है और हर एक रिपोर्ट के लिए पेशेंट्स हैं. जब भी आप यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं, आपको वो सारी चीज़ें सीखने को मिल रही है. एंड इंटर्न्स को हर एक डिपार्टमेंट में, कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट मैंने नहीं देखा है जहाँ पे इंटर्न्स ना हो. सारी जगह पे हमें इंटर्न्स भी मिले हैं, डॉक्टर्स भी मिले हैं और 24/7 सर्विस मिली है. ऑब्वियसली ऐसे डिपार्टमेंट में 24/7 नहीं है और जरूरत भी नहीं है, बट एमरजेंसी एनीवे 24/7 और हर जगह पे अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है, अच्छी रिपोर्टिंग मिल रही है. अभी हमें अल्ट्रासाउंड रूम के अंदर, मैं एक खाली अल्ट्रासाउंड रूम को कवर कर रही हूँ बिकॉज आई डोंट वांट टू इंटरप्ट एनीवन पर्सनल स्पेस. अगर आप देख सकते हैं तो हम मशीन्स हैं, डॉक्टर होता है और इंटर्न्स भी होता है. राइट नाउ वी हैव इंटेंशनली गॉट इनटू अ रूम जहाँ पे खाली हो, बट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सारी हैं. एंड व्हाइल यू आर हियर यू आर गोइंग टू असिस्ट डॉक्टर्स टू हेल्प देम आउट एंड एट द सेम टाइम टू लर्न अक्रॉस. आप देख सकते हैं मेरे पीछे है एक्सरे की वेटिंग. हमने कवर किया है अभी रेडियोलॉजी, उस डिपार्टमेंट में एक्सरे में आए हैं. अभी यहाँ पे क्या करते हैं, वंस यू आर एट रिसेप्शन आपका यू नो बिलिंग वगैरह हो जाता है, दे डिवाइड यू इन द डिपार्टमेंट्स. अभी जो है हम एक्सरे में जाने वाले हैं. आई शो यू की कैसी कैसी फैसिलिटीज है और कौन कौन सी मशीन यहाँ पे अवेलेबल है. As we come inside the X-ray room of comms, full body X-ray machines available हैं and safety and security का and precautions का पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि कोई भी डॉक्टर जो है वो यू नो एक्सपोज ना हो इन एक्सरेज को. जो इंटर्न्स और डॉक्टर्स हैं तो इसके पीछे ये ग्रुप है. अगर आप आएंगे डॉक्टर सब यही पे एक ग्रुप है, ये जो डॉक्टर्स और इंटर्न्स बैठ करके एक्सरे निकाल रहे हैं, एट द सेम टाइम बच्चों को सिखा भी रहे हैं. सो वेन यू चूज कॉम्स आपको भी ये सब सीखने मिल रहा है, देखने मिल रहा है और खुद से करने को मिल रहा है. ऐसा नहीं कि सिर्फ आप देख रहे हैं और सिर्फ सीख रहे हैं, आप कर भी रहे हैं साथ साथ ये चीज़ें. तो आपको बहुत अच्छा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलता है वेन यू चूज कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज. जैसे कि हम कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज में हैं और हम एक एक करके सारे डिपार्टमेंट्स कवर कर रहे हैं. वी आर एट द नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट किडनीज के लिए. तो हम अंदर चलते हैं, विल सी कितने पेशेंट्स हैं. जो भी एमबीबीएस में आप सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, चाहे वो क्लिनिकल हो चाहे बेसिक साइंस हो,
सारे सब्जेक्ट्स के डिपार्टमेंट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे फिजिकली प्रैक्टिस करने के लिए सीखने के लिए एज एन इंटर्न व्हेन यू चूज टू स्टडी एट कॉम्स. एज वी गो फॉरवर्ड एज वी मूव फॉरवर्ड इन द कॉरिडोर हम देखते हैं यहाँ पे जो दूसरा डिपार्टमेंट हमें देखने को मिल रहा है वो है ENTI एंड न्यूरो. देख सकते हैं ऊपर ENTI एंड न्यूरो. सो बेसिकली आई एम ट्राइंग टू शो यू कि जो भी सब्जेक्ट्स फिजिकली आपको एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है वो कौन कौन से डिपार्टमेंट है. तो हॉस्पिटल में अच्छा एक्सपोजर तभी होगा जब सारे डिपार्टमेंट्स होंगे आपको सब कुछ सीखने को मिले. ऐसा ना हो कि थ्योरी में आप सब पढ़ रहे हैं बट प्रैक्टिकली आप सब कुछ नहीं सीख रहे हैं. वो चीज़ नहीं है जब आप कॉम्स को चूज करते हैं व्हेन यू चूज कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज आपको ये सारे डिपार्टमेंट्स का एक्सपोजर मिलता है एंड यू गेट टू लर्न ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट फिजिकल. जैसा कि हम कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज के सारे डिपार्टमेंट्स कवर कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग टू देम ऑल वन बाय वन एंड रिपीटिंग द सेम थिंग कि आपको अच्छा प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिल रहा है आई वुड रेदर लाइक टू शो यू यहाँ पे इंटरनल मेडिसिन है कार्डियो है एंडोस्कोपी है एंड पेडियाट्रिक्स है गैस्ट्रो लाइक ईच एंड एवरीथिंग. एक बड़े चीज से लेकर छोटी चीज तक सब कुछ है चाहे वो कार्डियोलॉजी हो चाहे वो कुछ भी हो फ्रॉम स्मॉल टू बिग ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट एक्सपोजर इज अवेलेबल व्हेन यू चूज टू स्टडी एट कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज. ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आपको सीखने को ना मिले आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा एंड इन द ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट यू विल बी डूइंग इंटर्नशिप. जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कॉम्स की जो ओपीडी इट इज मोर देन 1000 प्लस इनफैक्ट समवेयर अराउंड 1200. अभी मैं हूँ इंटरनल मेडिसिन ओपीडी में आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितनी ज़्यादा भीड़ है. सी आई एम नॉट प्रेइंग फॉर एनीवन वन हेल्थीनेस बट एट द सेम टाइम बीइंग अ डॉक्टर आपको प्रैक्टिकली सीखने की जरूरत है वो आप तभी सीख कर सकते हो जब आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपोजर और पेशेंट इनफ्लो अच्छा हो. ये जो है जस्ट एक सिंगल पार्ट है दे हैव डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. अभी मैं पार्ट वन में हूँ आई विल टेक यू टू द सेकेंड पार्ट ऑफ इंटरनल मेडिसिन. सो जैसे कि हमने कवर किया था अभी पार्ट वन नाउ आई एम एट इंटरनल मेडिसिन पार्ट टू. इतनी ज़्यादा ओपीडी है दे हैव टू डिवाइड इन टू पार्ट्स कुछ डिपार्टमेंट्स हैं कुछ डिपार्टमेंट्स तो ऐसा करके वे मैनेजिंग द ओपीडी. सो आप ये सोच सकते हैं कि कितना अच्छा पेशेंट होगा कितना अच्छा आपको प्रैक्टिकली सीखने को मिलने वाला है. यहाँ पर हम क्या करते हैं हम इंडिया प्राइवेट्स को नेपाल से कंपेयर करते हैं. नाउ व्हेन यू कंपेयर यू कैन इजीली मेक आउट अ डिफरेंस कि आपको कम पैसे में यू आर गेटिंग द बेटर थिंग यू चूज कर लो मेडिकल साइंस. सो अभी हम हैं कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस के वार्ड में. अभी मैं आपको वार्ड के अंदर लेके चलती हूँ. यहाँ पे आपको इंटर्न्स भी दिखेंगे जो कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं और जो डॉक्टर्स को असिस्ट कर रहे हैं. एट द सेम टाइम पेशेंट्स भी आप देख पाएंगे कितने ज़्यादा पेशेंट हैं. हर एक पेशेंट की हिस्ट्री लेने के लिए मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने के लिए हर एक केस पे एक एक डॉक्टर के साथ एक एक इंटर्न भी होता है. तो अगर आप कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज को चूज़ करते हैं आप भी ऐसे ही अपने डॉक्टर को असिस्ट करेंगे और ऐसे ही धीरे धीरे करके आपको भी काम सिखाया जाएगा. अभी हम आए हैं कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज के ICU सेक्शन में. ICU सेक्शन आज पूरा फुल है लाइक देयर आर सो मेनी पेशेंट्स और हर एक पेशेंट को प्रॉपर केयर दी जा चुकी है एंड दी जा रही है. आपको दिखाया जा रहा है आपको उसका भी एक्सपोजर दिया जा रहा है.